अस्सलाम वालेकुम सर्वे कम्युनिटी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम हमारे पास है वो इक्लेडा KTS 442 आर, इसका टोटल स्टेशन है हमारे पास है। उसमें जॉब किस तरह बनाते हैं न्यू जॉब, वो देखेंगे। और कोई भी ऑप्शन है उसमें जो भी डाटा होगा वो किस तरह सेव करते हैं, ये आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि जिधर हम जॉब बनाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि मेन ऑप्शन पर आएंगे, ये मेन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि MEM का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। फिर हम कोई भी नहीं जाएंगे, जो पहले नंबर पर जॉब है उसको जॉब पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर जॉब सिलेक्शन यानी कि पॉइंट वन पर जो है उसको फिर क्लिक करेंगे। इंटर किया, इंटर करने के बाद ये जॉब जो हमारी अभी सिलेक्ट है वो लिखी हुई है। तो अभी हमने क्या करना, न्यू जॉब बनानी है, तो हम क्या करेंगे लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में जाने के बाद ये हमारे पास दो डिस्क हैं, ठीक है। तो हम ए या बी में जिधर भी नहीं बनानी है तो जॉब उधर बना सकते हैं, इधर से ये फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि डिस्क ए में ही उसकी जॉब बनानी है न्यू, तो हम क्या करेंगे डिस्क ए पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जो हमारी पहले जॉब बनी हुई है वो आ गई हैं, लेकिन हमने क्या करना है एक न्यू जॉब बनानी है। तो ये सामने लिखा होगा कि जॉब का न्यू का ऑप्शन, तो ये सर्च है, ये सारे इसके ऑप्शन है, लेकिन ये पेज वन है। तो हम पेज टू पर आएंगे। पेज टू पर आने के बाद ये देखें हमारे पास न्यू का ऑप्शन आ गया, तो हम न्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास दूसरे नंबर पर ऑप्शन आ गया है न्यू जॉब का, तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर हम इसका फॉर्मेट लिखेंगे कि जो हमारे पास जिस जगह का हमने जो जॉब बनानी है उस जगह की हम इधर डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो ये हमारे पास है एरिया एक, तो इस एरिया की हम इसके इधर डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो SFT से हमारा जो 1 2 3 और ABC ये जो ऑप्शन है इससे हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक है तो हम क्या करेंगे SFT से, ये देखें SFT के ऑप्शन को किया तो S आ गया, इसका मतलब है कि इंग्लिश में आ गया, ये बड़ा है, इसको फिर करेंगे तो अच्छा। तो ये देखें इंग्लिश में आ गया SFT, अगर ना हुआ तो इसका मतलब है ये अपना गिनती में आ गया। तो SFT जो ऑप्शन है इसको क्लिक किया। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा है ब्लॉक B। इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर SFT को दबाएंगे, तो ये इंटर करेंगे तो ये हमारे पास स्लैश आ गई ब्लॉक, फिर इसको इंटर करेंगे इंग्लिश में आ जाएगा ब्लॉक 1। तो ब्लॉक 1, तो ये हमारे पास जॉब जो है ये हमारा ब्लॉक 1 है। तो ये अभी हमने इसको जॉब का नाम दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको ओके। ओके करने के बाद ये हमारे पास देखें जॉब 1 वो सेफ हो गया, ब्लॉक 1 सेफ हो गया, लेकिन इसमें नहीं नज़र आ रहा। अभी हम इधर इस पर इसको देखेंगे, तो अभी हम ब्लॉक 1 का किया था, तो ये देखिए अभी हमारे पास ब्लॉक 1 का जो है वो जॉब आ गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये हमारे पास जॉब 1 जो है वो सिलेक्ट हो गई है। तो ये देखें ब्लॉक 1 सिलेक्ट हो गया, जॉब के ऊपर ये देखें डिस्क ए में हमारा, हमने इसको सेव किया था, तो ये ब्लॉक 1 इस पर अपना ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ब्लॉक 1 जो है वो जॉब हमारी बन गया है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसमें हम पॉइंट सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना फंक्शन में आएंगे, फंक्शन चेंज करके CRD ऑब्जर्वेशन में आएंगे, या इसके बाद कोऑर्डिनेट में भी हम आ सकते हैं CDR। अच्छा, तो इसको क्या किया ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के, क्योंकि हमारे पास नॉन प्रिज्म है, सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको किस तरह सेव करना। तो हम क्या करेंगे SP से इसको नॉन प्रिज्म करके हम कोई भी पॉइंट पर, ये देखिए हमारे पास एक नॉर्थिंग ईस्टिंग आ गया, इसके एलिवेशन आ गया। तो हम REC रिकॉर्ड में जाएंगे, इधर हम PT यानी पॉइंट नंबर इधर लिखेंगे, यानी कि अगर फ़र्ज किया मेरे पास है, ये देखें ना कोड में, कोड भी हम इसका चेंज करेंगे। इसका क्या मतलब है कि ब्लॉक 1 में हमने कौन सी रोड पड़ी है और उसकी कौन सी RD है वो लिखेंगे। और उसके बाद PT यानी कि पॉइंट जो हमारे हैं उसके, क्योंकि हमारी जॉब ये अलग है, तो इसके में हम एक से शुरू करेंगे। तो ये हम इधर एक कर देंगे और इधर
कोड में आकर उसका कोई भी जो ब्लॉक वन में जो भी स्ट्रीट होगी या जो भी मेन रोड होगा उसका हम नेम इधर दे देंगे। नेम देने के बाद हम इसकी टारगेट हाइट यानी कि देखें, अभी हम जारी बात है नॉन प्रिज्म से किया है तो इसकी हाइट हमने 0 रखी हुई है। अगर हम इसको प्रिज्म के साथ करते हैं तो प्रिज्म की हाइट होती है हमारी 4.92 या 5 फीट की। तो 5 फीट के बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद हम इसके पॉइंट को सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद ये क्या होगा कि जो हमारा ये ब्लॉक वन का जो हमारी स्ट्रीट जो भी होगी उसमें ये जो ब्लॉक वन की हमारी जॉब बनी हुई है इसमें ये पॉइंट हमारा सेफ हो जाएगा। तो इस तरह हम कोलिडा की टोटल स्टेशन में नई जॉब क्रिएट करके उसमें पॉइंट सेफ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता है आपको आज की वीडियो भी समझ आ गई होगी। तो ये हमारी वीडियो नंबर थी 7। इससे पहले MLM, MEM, SO डाटा बेस लाइन मेथड जो भी इस तरह की वीडियो थी वो मैंने पहले दी हुई है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे देता हूँ, आप उनको भी अपना देखें। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।